अस्सलाम वालेकुम, मैं राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में। आज हमारे पास जो इस टाइम लैपटॉप आपको नज़र आ रहा है वो है HP। देखी जाए सीरीज़, अगर देखी जाए तो पवेलियन सीरीज़ में आपको ये मिल जाता है गोल्ड, HP पवेलियन गोल्ड। तो इस टाइम हमारे पास ये प्रोडक्ट आपको जो नज़र आ रहा है कोर i5 में 6th जनरेशन आपको यह हमें लैपटॉप मिल जाता है, और इसमें साउंड सिस्टम भी BO का लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका इंटरफेस वगैरह देख लेते हैं। ये मेटल्स में आपके इसके ये जो हिंज नज़र आ रहे हैं मेटल्स में दिए गए हैं, और अगर इसकी हम डिमेंशन की बात की जाए तो ये 14 इंचज इसकी आपको स्क्रीन मिलती है, और बहुत ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट लैपटॉप है। और इसको HP गोल्ड इसलिए कहा गया है कि इसकी शेप जो है वो कलर जो है वो गोल्ड में है सही। तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमें USB पोर्ट्स मिल जाती हैं, हेडफोन जैक मिल जाता है, और SD कार्ड का हमें एक स्लॉट मिल जाती है इसमें। दूसरी साइड पे अगर देखते चलें तो इसमें हमें 3.0 पोर्ट अगर एक हमें एक मिल जाती है, और HDMI केबल मिल जाती है, और साथ अर्थनेट केबल भी मिल जाती है, साथ इसमें बुलेट पिन चार्जर लगता है। तो इसकी मैं हार्ड रैम की स्पेक्स की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन वाइज अगर बात करें तो ये 8GB रैम में आता है और 256 SSD हार्ड में आता है, और इसमें एक वेरिएंट है जो 512 भी आता है। अगर फुल मॉडल की बात की जाए तो इसका जो फुल मॉडल है वो है 3165NGW, और ये हमें जो मॉडल है ये पवेलियन सीरीज़ का मॉडल है। तो इसमें आपको जो फैन दिया गया है वो बैक साइड पे नीचे ही दिया गया है, और पवेलियन इसके बैक साइड पे आपको ये देखें यहाँ पे पवेलियन भी पंच किया गया है। और बाकी जो इसकी शेप जो इसकी हिंज की शेप है ये मल्टी कलर्स में इसकी हमें मिल जाती है। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, HP की जो पवेलियन सीरीज़ है उसमें बहुत सारे लैपटॉप्स आ जाते हैं। जो HP गोल्ड सीरीज़ में आता है उसकी जो आपको कीबोर्ड पे आपको जो इसकी वो मिलती है वो है लाइनिंग। ये देखिए जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही है ना ये सारी, ये गोल्ड सीरीज़ में आपको ये लाइनिंग मिल जाती हैं। और इसमें आपको दूसरा आपको बताता चलूँ, जो पवेलियन सीरीज़ के जितने लैपटॉप हैं उसमें गेमिंग सीरीज़ के जो लैपटॉप आते हैं वो नॉर्मल रेंज के लैपटॉप्स आते हैं, उसमें मरीन्स के गेमिंग नहीं कहा जा सकता, लेकिन गेमिंग सीरीज़ के नॉर्मल लैपटॉप इसमें आपको मिल जाते हैं। तो दूसरा अगर इसकी हम प्राइस की बात कर लें तो कोर i5 में 6th जनरेशन जो आज से 2000 अगर बात की जाए 19 की, तो आपको 5th 6th जनरेशन आपको 50 के लगभग ईजीली 10x10 कंडीशन में मिल जाते थे। मींस के अच्छे से अच्छा मॉडल भी जाता ना आपको 50 की रेंज में मिल जाता था, लेकिन इस टाइम i5 5th 6th जनरेशन जो है वो तकरीबन 60 की रेंज में जा चुके हैं। तो पवेलियन सीरीज़ का ये लैपटॉप हमें मिल जाता है तकरीबन 56 की रेंज में। तो बाकी दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मॉडल लाइक HP का कौन सा मॉडल है या इसकी बायोस या कुछ भी आप इसकी चीज़ का कोई भी स्पेसिफिकेशंस या इसका ग्राफिक कार्ड कुछ भी आप चेक करना चाहते हैं, उसके लिए एक कमांड दी जाती है। आपने क्या करना है दोस्तों, जल्दी से जाना है सर्च में लिखना है DXDIAG, आपने ये कमांड देनी है, कमांड देते ही इंटर कर देना है। इंटर करते आपसे यस नो का ऑप्शन एक आएगा कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं, हाँ तो हाँ करना है तो यस करना है, नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे आप यस करेंगे तो आपके पास एक जो न्यू इंटरफेस आएगा लाइक न्यू स्क्रीन जो खुलेगी उस पर लिखा होगा कि ये HP का मॉडल है या डेल का है, इसका मॉडल क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसकी रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा मॉडल है, विंडो कब इसमें अब लाइक इंस्टॉल की गई थी, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको मिलती है। लाइक इसमें कीबोर्ड का कौन सा मॉडल है, साउंड कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, लाइक इसमें माउस कौन सा है, इसका ग्राफिक कार्ड कितने बिट है, कितने GB का लगा हुआ है, कितने MBs का, लाइक हर चीज़ इसमें आपको इसमें ईजिली मिल जाती है। तो आप दोस्तों कमांड याद कर लें DXDIAG। तो ठीक है जी, आपको ये स्पेसिफिकेशन बताने का मैंने मकसद ये था कि आपको कमांड पता होना चाहिए, आप लाइक कहीं भी जाते हैं लैपटॉप लेने के लिए तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम लैपटॉप में देखते ही हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाए। दूसरा अगर आपने इसकी बैटरी चेक करनी है लाइक 2 मिनट की तरह बैटरी चेक करना चाह रहे हैं कि भाई इसका बैटरी का पता कैसे चलेगा ठीक भी है कि नहीं, बैटरी बार 2 MB का सॉफ्टवेयर है, आपने क्या करना है USB लेके जानी है, उसमें बैटरी बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके गूगल से कहीं से भी उठा ले मिल जाता है, आपने डाउनलोड करके आपने लैपटॉप में लगाना है। एक तो USB पोर्ट्स चेक हो जाएंगी, दूसरा आपने पोर्ट में जाके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही आपको बताएगा कि ये बैटरी इतने MAH की है, और दूसरा लास्ट ऑप्शन उसमें नीचे दिया गया होता है वेयरिंग,
अगर तो वेयरिंग जीरो हो गए तो समझ लें इसकी बैटरी 10/10 कंडीशन में पड़ी हुई है। अगर वेयरिंग में कोई भी 10% 20% 2% भी हो तो समझ लेना कि बैटरी की हेल्थ गिरने वाली हो गई है। तो चलते हैं हम क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा कि और इसके चेक करने के क्या कौन कौन से तरीके हैं, आपको सीक्रेट्स ट्रिक्स और भी चीज़ें मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा रिव्यू था वो HP पवेलियन का था। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसका रिव्यू एक और दूंगा, इस वीडियो को चला के इसकी स्पीड इसकी हर चीज़ चेक करवाऊँगा। तो आज थी सिर्फ जस्ट हाउ नो आपको मैंने इसकी करवाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, प्लस गेम्स सॉफ्टवेयर इन तरह की चीज़ें चला के। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाईजान अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली है तो लाजमी अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।